वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल NIA नंबर वन इंस्टीट्यूट फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स। आज की करंट अफेयर्स सीरीज़ के साथ मैं ज्योत्सना परमार आप सभी के सामने उपस्थित हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्विज। आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में नेशनल टेस्ट अभ्यास ऐप किसने लॉन्च किया है? चार ऑप्शन है आप सभी के सामने, मानव संसाधन मंत्रालय, गृह मंत्रालय, रेल मंत्रालय, स्वास्थ्य मंत्रालय। तो जल्दी से अपना आंसर कमेंट करके बताइए। नेशनल टेस्ट अभ्यास ऐप किस के द्वारा लॉन्च किया गया है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा गाइस? ऑप्शन नंबर फर्स्ट, मानव संसाधन मंत्रालय। मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा नेशनल टेस्ट अभ्यास नामक एक नया मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया है। इस ऐप को राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी द्वारा विकसित किया गया है। यह जो ऐप है वो JEE मेंस और नीट जैसी परीक्षाओं के उम्मीदवारों को मॉक टेस्ट उपलब्ध कराने में मदद करेगा। तो ये एप्लीकेशन किन स्टूडेंट्स के लिए है? तो जो JEE मेंस और नीट की तैयारी कर रहे हैं उन लोगों को मॉक टेस्ट प्रोवाइड करने के लिए एप्लीकेशन बनाई गई है। ओके गाइस, तो केंद्रीय मानव संसाधन मंत्री कौन है? केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक, ये भी आप सभी ध्यान रखिएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में लेसोथो के प्रधानमंत्री थॉमस थबेन ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। तो आप लोग बताइए कि लेसोथो की राजधानी क्या है? मासेरू, बाकू, अबूजा, वारसा। लेसोथो की राजधानी क्या है? जल्दी से अपना राइट आंसर कमेंट करिए। तो लेसोथो की राजधानी है मासेरू। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, मासेरू। लेसोथो जो है वो किसी ने नाम सुना भी नहीं होगा। तो लेसोथो जो है वो एक दक्षिण अफ्रीकीय देश है और इसकी राजधानी है मासेरू। तथा यहाँ पर कौन सी मुद्रा चलती है? तो लेसोथो लोटी। लेसोथो लोटी यहाँ की मुद्रा है तथा राजधानी है मासेरू तथा ये एक दक्षिण अफ्रीकीय देश है। ओके गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। हाल ही में भारतीय इस्पात संघ का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? शशांक मनोहर, दिलीप उम्मैन, दीपक मिश्रा और मनोहर जोशी। तो जल्दी से अपना आंसर दीजिए। इंडियन स्टील एसोसिएशन, भारतीय इस्पात संघ का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो गाइस इसका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर सेकंड, दिलीप उम्मैन। भारतीय इस्पात संघ ने दिलीप उम्मैन को अपना नया अध्यक्ष नियुक्त किया है। यह वर्तमान में आर्सेलर मित्तल निप्पॉन स्टील इंडिया के CEO है। ओके गाइस, तो ये अभी वर्तमान में जो है ये आर्सेलर मित्तल निप्पॉन स्टील कंपनी के CEO है तथा अब इन्हें भारतीय इस्पात संघ का अध्यक्ष भी नियुक्त किया गया है। भारतीय इस्पात संघ की स्थापना कब हुई थी? तो भारतीय इस्पात संघ की स्थापना हुई थी 2014 में तथा इसका मुख्यालय कहाँ पर है? तो इसका मुख्यालय है नई दिल्ली में। ओके गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। हाल ही में किस राज्य में दीदी वाहन सेवा शुरू की गई है? दीदी वाहन सेवा शुरू की गई है राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात, उत्तर प्रदेश। तो जल्दी से अपना आंसर बताइए। तो दीदी वाहन सेवा जो शुरू की गई है वो की गई है हमारे मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश के आदिवासी बहुल झाबुआ जिले में ग्रामीण आजीविका मिशन की महिलाओं द्वारा दीदी वाहन सेवा शुरू की गई है। यह वाहन सेवा महिलाओं के लिए सुरक्षित प्रसव को शुरू करेगी। तो जो दीदी वाहन सेवा है वो मध्य प्रदेश के झाबुआ जिले में, जहाँ पे बहुत सारे आदिवासी लोग रहते हैं, वहाँ की ग्रामीण महिलाओं ने शुरू की है, जिसका उद्देश्य है कि जो भी प्रेग्नेंट लेडी है उसको सुरक्षित हॉस्पिटल पहुँचाना। ओके गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। हाल ही में रत्नाकर मतकरी का निधन हो गया है वह कौन थे? रत्नाकर मतकरी का निधन हो गया है वह कौन थे? लेखक, नाटककार, दोनों या फिर इनमें से कोई नहीं? तो जल्दी से अपना आंसर बताइए। तो गाइस इसका राइट आंसर क्या है?
दोनों, लेखक और नाटककार दोनों थे। प्रसिद्ध मराठी लेखक और नाटककार रत्नाकर मतकरी का COVID-19 के कारण निधन हो गया है। ओके गाइस, उनकी फिल्म इन्वेस्टमेंट ने सर्वश्रेष्ठ मराठी फीचर फिल्म के लिए राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार भी जीता है। तो उनकी फिल्म कौन सी थी? फीचर फिल्म थी इन्वेस्टमेंट, उसे सर्वश्रेष्ठ मराठी फीचर फिल्म का राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार मिला है। तो ये कौन थे? लेखक और नाटककार दोनों हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। हाल ही में कार्मेन रेनहार्ट को किस संगठन के लिए उपाध्यक्ष तथा मुख्य अर्थशास्त्री के रूप में नियुक्त किया गया है? कार्मेन रेनहार्ट को मुख्य अर्थशास्त्री तथा उपाध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। तो जल्दी से अपना आंसर बताइए। WHO, वर्ल्ड बैंक, UNO और IMF। तो किस संस्था के लिए उन्हें अर्थशास्त्री नियुक्त किया गया है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सेकेंड, वर्ल्ड बैंक। वर्ल्ड बैंक ग्रुप ने कार्मेन रेनहार्ट को अपना नया अध्यक्ष तथा मुख्य अर्थशास्त्री नियुक्त किया है। ओके गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। हाल ही में किस राज्य सरकार ने मी अन्नपूर्णा कार्यक्रम शुरू किया है? मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, आसाम और महाराष्ट्र। तो जल्दी से अपना आंसर कमेंट करिए। मी अन्नपूर्णा नामक कार्यक्रम किसके द्वारा शुरू किया गया है? तो इसका राइट आंसर है गाइस ऑप्शन नंबर फोर्थ, महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में इंटीग्रेटेड रिस्क इंश्योरेंस द्वारा मी अन्नपूर्णा नामक एक पहल शुरू की गई है। यह पहल महाराष्ट्र में किसानों और कृषि समुदाय के कल्याण के लिए शुरू की गई है। तो जो मी अन्नपूर्णा कार्यक्रम है वो किसके लिए है? किसानों के लिए। ओके गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। भारत में हर साल 21 मई को किस प्रधानमंत्री की पुण्यतिथि पर आतंकवाद विरोधी दिवस मनाया जाता है? इंदिरा गांधी, लाल बहादुर शास्त्री, राजीव गांधी और जवाहरलाल नेहरू। तो हर साल 21 मई को आतंकवादी विरोधी दिवस मनाया जाता है, तो किस प्रधानमंत्री की पुण्यतिथि पर मनाया जाता है? तो गाइस इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर थर्ड, राजीव गांधी। राजीव गांधी 21 मई को तमिलनाडु में आतंकवादी समूह था तमिल टाइगर्स इलम द्वारा एक हमले में राजीव गांधी जी की मृत्यु हो गई थी। तो उनकी पुण्यतिथि के स्मरण में आतंकवादी विरोधी दिवस मनाया जाता है, ताकि आतंकवादियों के बारे में जागरूकता दे सके तथा उनसे कैसे बचा जा सके उसके बारे में जानकारी प्रोवाइड की जाती है। ओके गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। हाल ही में फ्लिपकार्ट ने फ्लिपकार्ट के ग्राहकों को डिजिटल मोटर बीमा पॉलिसी देने के लिए किस बीमा कंपनी के साथ समझौता किया है? फ्लिपकार्ट ने एक बीमा कंपनी के साथ समझौता किया है उनके ग्राहकों को डिजिटल मोटर बीमा पॉलिसी प्रोवाइड करवाने के लिए। तो वो कौन है, कौन सी कंपनी है? SBI लाइफ इंश्योरेंस, बजाज एलियंस जनरल इंश्योरेंस, आदित्य बिरला सन लाइफ इंश्योरेंस, ICICI प्रूडेंशियल लाइफ इंश्योरेंस। तो जल्दी से अपना राइट आंसर बताइए। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सेकेंड, बजाज एलियंस जनरल इंश्योरेंस। फ्लिपकार्ट और बजाज एलियंस जनरल इंश्योरेंस ने फ्लिपकार्ट के ग्राहकों को डिजिटल मोटर बीमा पॉलिसी की सुविधा देने के लिए एक समझौता किया है। इससे फ्लिपकार्ट के ग्राहकों को उनके वाहनों को सुरक्षित रखने के लिए एक सहज और सुलभ समाधान प्राप्त होंगे। ओके गाइस, आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है, आयुष्मान भारत योजना के तहत देश में अब तक कितने लाभार्थी हो गए हैं? आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री की एक योजना है जिसके तहत 5 करोड़ रुपए तक का सालाना मुफ्त इलाज दिया जाता है। तो इसमें अभी तक कितने लोग इसका लाभ ले चुके हैं? तो इसका राइट आंसर होगा 1 करोड़। 1 करोड़ लोग आयुष्मान भारत, प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत जन आरोग्य योजना का लाभ ले चुके हैं। ओके गाइस, तो ये योजना कब स्टार्ट हुई थी? तो ये 1 अप्रैल 2018 को ये योजना स्टार्ट हुई थी।
ओके गाइस, आज के हमारे 10 क्वेश्चन यहीं पर कंप्लीट होते हैं। आज का हम क्वेश्चन ऑफ द डे देख लेते हैं। हाल ही में स्लोवेनिया यूरोप का कोरोना मुक्त पहला देश बन गया है। स्लोवेनिया की राजधानी क्या है? तो आप सभी कमेंट करके बताइए स्लोवेनिया की राजधानी क्या है। ओके गाइस, आज के लिए इतना ही। कल फिर इसी समय पर मिलते हैं। थैंक यू।